अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुस्कान इंटरनेशनल न्यूज। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं वतीक खान। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। नौशहरा के इलाके विलेज काउंसिल गंडीरे में सफाई के नाकिस हिकमत अमली और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत के बायस न सिर्फ जगह जगह गंदगी के ढेर लगी हुई है बल्कि निकासी का सूरत हाल भी दरहम बरहम हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। नौशहरा के इलाके विलेज काउंसिल गंडेरी में बल्दियाती नुमाइंदों की नाकिस हिकमत अमली और मिली भगत से गंदगी के ढेर लग गए हैं। इलाके में मौजी अमराज फैलने का खदशा है, जबकि निकासी आब न होने से नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे अवाम परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर से राख चलते लोग शदीद बदबू और तापुन के बायस परेशानी से दो चार। विलेज काउंसिल गंडेरी के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। आप गाँव के वस्त में जाए और गंदगी देखे तो शायद आपको भी शर्म आ जाए। शर्म को शर्म आ रहा है, पीटीआई को तो शर्म ही नहीं आती। ये हो क्या रहा है, ये निजाम क्या है? ये इधर इंसान रहते हैं या जानवर? कोई कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपना दुम हिला के वो जगह साफ कर जाते हैं और उधर बैठ जाते हैं। कोई नहीं है, सफाई की पेशी भी मिली है यहाँ जो कि मेम्बर है। अभी चंद दिनों की बात है, एक तय का मंजूर हो गया, अभी तक ये सफाई नाली वगैरह कोई काम नहीं है। इस कचरे को देखो, इससे बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर है, डेंगू आ सकता है, पानी जगह जगह कड़ा है और कोई इस पे असर रसूख नहीं करता। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे ऊट लेकर गायब, जबकि विलेज काउंसिल गंडेरी में पड़े गंदगी के ढेर से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आला हुकाम इस पर नोटिस ले। मोहम्मद असद, मुस्कान इंटरनेशनल न्यूज, नौशहरा।